नमस्कार छात्रों, आज हम उस धरती की संतति है। यह उमाकांत मालवीय जी की कव्वाली इस काव्य प्रकार की पद्य में तीसरे चरण का आज अभ्यास करेंगे। यह जब लड़कियां लड़कों से अपनी वीरांगनाओं की बातें सुनाती है तथा अपने श्रेष्ठत्व की बातें कहती है, तब लड़के भी सोच में पड़ जाते हैं और वो लड़कियों से कहते हैं कि अब हम समझदारी से हमें काम लेना चाहिए। हम भी और आप भी, हम दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं, इसीलिए अब हम आपका भी महत्व पहचानते हैं। उसी प्रकार आप भी झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि झगड़े में कुछ नहीं रखा होता है। उसी प्रकार इस तरह बातें हमें, झगड़े की बातें आपस में उलझा कर रख देती है। इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा और आपको भी फायदा नहीं होगा। सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव, भरत या प्रहलाद तथा रजिया सुल्ताना, सीता, सावित्री, ये सभी भारत माँ के बच्चे हैं। उन्होंने कभी एक दूसरे में असमानता नहीं दिखाई है। दोनों के भी उतना ही पराक्रम है, इसमें स्त्री और पुरुष इसका कोई भाग नहीं आता। तो फिर हम क्यों आपस में झगड़ा करें, हम क्यों आपस में बातें करें, झगड़े? हमें झगड़ना नहीं चाहिए, हम भी एक साथ मिलजुल कर हमें रहना है। और वे बताते हैं कि इस प्रकार भारत देश की प्रगति या उन्नति करनी है तो हमें स्त्री या पुरुष यह झगड़ा न करते हुए देश की उन्नति में हमारा स्थान निश्चित करना है। उसी प्रकार आज हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे तथा हमारी इस भारत माँ का नाम रोशन करेंगे। यह इस तीसरे चरण में दोनों के झगड़े यह खत्म हो जाते हैं और आपस में अच्छी तरह से रहने का वे एक दूसरे के साथ वादा करते हैं। धन्यवाद।